खुद के अनुभव में कुर्ली के अंदर सुनाते हैं। बच्चे ये कोई मासी का घर नहीं है, है ना, ये किसका अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। ज्ञान मार्ग हसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य है। ये ज्ञान में चलना कोई मासी का घर नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य है। तो बाबा भी यही कहते थे कि मुझे अनुभव आए इसके लिए हर बात मेरे आगे आती है, फिर तो बच्चों के आगे आती है। अभी हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा जैसे बाबा का वरदान है कोल्हापुर सदा भरपूर। कोल्हापुर माना खाली कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर का अर्थ ही है कोल्हापुर के कनेक्शन में जितने भी है उन सबके लिए ये वरदान होता है। और हम देखते भी है कि हम सभी बहनों में आपस में उतना प्यार भी है, रिगार भी है, एकता भी है, पवित्रता भी है, मानने की आज्ञाओं को मानने की हर एक में वो ताकत भी है। तो अच्छी तरह से हम सभी चल रहे हैं, इसलिए आज का भी संगठन हम सवेरे से देख रहे हैं कि कितना सभी मौज में है, उमंग उत्साह में है। लेकिन हम सबका जो लक्ष्य है पर्सनल और बाबा ने दिया हुआ लक्ष्य, बाबा ने दिया हुआ लक्ष्य क्या है, बाप समान बनो, ये बाबा ने लक्ष्य दिया। बाबा ने लक्ष्य दिया मनुष्य से देवता बनो, बाबा ने लक्ष्य दिया पत्थर से पारस बनो, कांटों से फूल बनो, कौड़ी से हीरा बनो, ये बाबा ने लक्ष्य दिया। और मेरा पर्सनल लक्ष्य क्या है, मैंने कई बहनों के मुख से यही सुना है, हर बहन को ऐसे लगता है कि बाबा की प्रत्यक्षता हमारे से, बाबा मेरे द्वारा प्रत्यक्ष हो जाए, बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो जाए। कभी हम बोलते मेरे से, कभी बोलते हमारे से। और बाबा तो एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष होगा ही नहीं, बाबा तो संगठन से प्रत्यक्ष होगा। नहीं तो बाबा कई बार कहते हैं एक बच्चा तो बन ही गया है, दादिया भी बन गई है, भले उन्होंने नया शरीर लिया। अभी गुलजार दादी भी बाबा के साथ साथ वतन में है, लेकिन परमात्मा और महात्मा, धर्मात्मा या गुरु, इनमें यही फर्क रहेगा कि गुरुओं ने, धर्मात्माओं ने एक एक व्यक्ति को तैयार किया, उनके पीछे एक उनकी गद्दी संभालने वाला, उनके समान तैयार किया। लेकिन परमात्मा एक को नहीं तैयार करता। बाबा मुरली में भी कहते एक अर्जुन नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। कभी कहते मम्मा के लिए कहते वो एक काम दे दो है, जगदम्बा है। फिर कभी कहते हैं तुम सब काम दे दो हो, तुम सब जगदम्बा हो। तो बाबा को एक संगठन प्रत्यक्ष करेगा, एक दो व्यक्ति नहीं प्रत्यक्ष करेंगे, और वो संगठन समान होगा, समान स्थिति वाला होगा। तो हमारी भी इच्छा है कि बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो। बाबा की इच्छा है मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए मेरे समान बनो, मेरे समान बनने से तुम मुझे प्रत्यक्ष करोगे। जैसे बच्चा अगर बाप जैसा धंधा करता है, उसकी चाल चलन भी बाप जैसी है, बोल चाल भी बाप जैसा है, तो देखने वालों को ये याद आता है कि ये बाप जैसा है, ये बाप जैसा है, ये बाप जैसा है।
मैंने भी अभी वो लेके अंदर कहा कल परसों दो दिन पहले कि बच्चे तुम मेरे समान विश्व कल्याणकारी बनो, मेरे समान पर उपकारी बनो, मेरे समान दयालु बनो, रहम दिल बनो, मेरे समान रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। ये जो मेरे संस्कार है वो तुम अपने में धारण करो। तो आज थोड़ी सी छोटी सी पुरुषार्थ के टिप्स